सबका सलाम दोस्तों, चलो दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गुजरी रात दोस्त, मैं आज सुबह सवेरे उठा हूँ और इतना मैं जल्दी हर रोज उठता नहीं। आज पता नहीं नींद खुल गई, सवेरे उठ गया। ये जो सामने थोड़ा सा आप धोरा देख रहे हो, ये हकीकत में बड़ा धोरा है। चलो वहाँ पे चलते हैं। ये मेरे गांव में रोड गुजरती है ये वाली, और ये हैं घर, ये हैं मंदिर श्री रामदेव पीर का। मेरे घर पे सर्विस नहीं है, जो टेलनार की है यहाँ पे टेलनार की नेट चलती है, और टेलनार की सर्विस यहाँ मेरे घर पे नहीं है। बस थोड़ी बहुत आ जाती हैं, जो सादे मोबाइल होती है ना, जो कीपैड वाले, उसमें सर्विस आ जाती है, लेकिन इंटरनेट चलती नहीं। तो ऐसे दौरे पे जाके मुझे इंटरनेट चलाने, जैसे कोई वीडियो में अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे जाकर ही करना पड़ता है। मोस्टली मैं सुबह को ही करता हूँ अपलोड, अगर कभी कभी मैं शाम को भी वीडियो, कोई वीडियो है उसे अपलोड कर लेता हूँ। जो पीछे देख रहे हैं वो मेरा गांव है, और आज गांव कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऊपर बादल आए, बिल्कुल बिल्कुल ही बादल हैं, और थोड़ी थोड़ी बूंद अभी भी गिर रही है। अभी भी सारे लोग गांव में उठे नहीं। गांव से अब मैं काफ़ी दूरी पे हूँ, और अब इंटरनेट, क्या कहें, नेटवर्क आ रहा है, लेकिन मुझे चलना है थोड़ा आगे। उसका आगे चल के रीज़न बताता हूँ। अब हम गांव से काफ़ी दूरी पे आ गए हैं, तो अब सही है। वैसे वहाँ पर कोई इतना मसला नहीं था, आपने बस मुझे थोड़ा ही थोड़ी व्लॉगिंग देखा हुआ होगा। गांव के नज़दीक मैं जब भी होता हूँ, मोस्टली आपने जब मुझे व्लॉग में देखा है तो इतना ही देखा है, जो कि आधा सच कह लें, पूरा सच नहीं है। मेरे साथ होता है ये ये है, इसे लोटा कह लें या बदना। गाँव में बाथरूम जो घरों में, हर के घर में नहीं होता, और होता है तो भी उसे कम ही यूज़ करते हैं या यूज़ ना करते हैं बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि पानी नहीं है। अगर कहीं पे है, कब कुएं में पानी है, तो भी उसको निकाल करके घर में पहुंचाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, इसलिए अवॉइड करते हैं, बाहर ही आते हैं। सारे गांव वाले भी ऐसा ही करते हैं। तो सुबह सवेरे जिस जगह पर मैंने बताया था कि अब ठीक है, वहाँ पे रुकना सही नहीं था, सभी लोग वहाँ पे ही आते थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं, और अब हम सेफ डिस्टेंस पे आ चुके हैं। चलो अब वीडियो करते हैं अपलोड, उसके बाद ही मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। बाकी यार, जो रेत के टीले हैं, इस पे बैठने का मज़ा ही अलग है। बस बैठे रहो, चाहे इंटरनेट चलाओ या कुछ भी करो, लेकिन ये अभी ठंडे हैं, बिल्कुल ठंडे हैं। अभी दिन की रोशनी इस पे पड़ी नहीं है तो ठंडे हैं बिल्कुल, ज़्यादा नहीं बिल्कुल ठंडे, इतने हैं कि बैठने में मज़ा आ रहा है। करीब 2 घंटे तक यहाँ पे बैठ के वीडियो अपलोड किया है। स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, और आज तो वीडियो भी लेंथी था, करीब 15 मिनट का था और 2.5 GB का वीडियो था। और अपलोड करेंगे तो YouTube उसको कंप्रेस कर देगा, लेकिन जब मैं अपलोड करता हूँ तो क्या कहें, बड़ी साइज़ का होता है वीडियो। तो अब वीडियो हो चुका है अपलोड, जो आप आज ही देख चुके हैं। जब ये वीडियो आएगा तब ये उसके एक दिन बाद ही आएगा। जो कुएं में रॉड लगाई थी, पानी की खोज, उस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है। तो बस अब चलते हैं घर पे। तो जनाब, खाना तैयार है। ये हैं रोटी, कणक की, कणक को क्या, गेहूं में थे, और ये हैं सिंगरी, सूखी हुई सिंगरी, और ये लस्सी, बस यही है। बस लाइट तो है नहीं, तो गर्मी ज़्यादा है। हाँ, ऑफिसर।
सूखी सिंगरी का मजा ही कुछ अलग है। जैसे सब्जी ग्रीन सब्जी है ना, वो खाते हैं तो अच्छी नहीं लगती। ये वाली तो खा आज खाओ शाम को खाओ अच्छी लगती है, बस सुबह खाओ तो सही है। ये है मेरा घर, यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए हैं। ये है पानी स्टोरेज के लिए टांका, और इधर ये कच्ची जगह थी, वो तूफान आया तो उसको गिरा दी, अभी इसमें सिर्फ कचरा है। ये वाटरमेलन की जो वेल के नहीं है, बाकी ये है चोरा, ये तो कमरे और तीसरा यहाँ पे कमरा, ये है चोरा, ये है हमारा किचन। किचन कुछ ऐसा दिखता है, ये खाने खाने की जगह चूल्हा, और ये टिपिकली हमारे यहाँ हर घर में मिल जाएगी, इसे कहते हैं कोठा। और ये अलमारी का काम करती है, ये ऐसा कह लें कि ये पुरानी अलमारी है। और ये वाले हैं ये फूड स्टोर करने के लिए, जैसे ये टेन है ना, ये टेन कह लें, इसमें अभी आटा रखें या कुछ चीज़ रख लें, पहले ऐसे हुआ करते थे, अभी इसमें तो कुछ नहीं। तो बस ये है किचन को, जब बना रहे थे तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो में उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, ये ऊपर ऊपर ये कुछ रखने के लिए जगह, और बाकी ये सामान है अंदर। कोई बिल्ली वगैरह इसके अंदर जो रखा हुआ सामान है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये है एक रूम, ये मेरा वाला रूम है, और ये सोने के लिए जगह, और ये मेरा पड़ा है लैपटॉप, इस पे मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करता हूँ। बाकी यार पंखा चालू कर लें, गर्मी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। ये भरत का काम ये होता है, इतना अच्छा है। पैरोट तोता बनाया हुआ है, बस हाथ से बनाया हुआ है, मशीन नहीं है। तो दोस्त ये वही कुआं है जहाँ पे हमने रोड लगाई थी, और पानी तो निकला नहीं, बस हमने इसके अंदर रूटर लगाया हुआ है, और यहाँ से पानी जाता है वो वाला जो टांका है उसमें, और वहाँ पे एक और रूटर है वो लाइन में पानी भेजता है आगे, वो ख़राब हो चुका है, तो हमें बस ये जरीकन कह लें या कैन कह लें, इसमें पानी भर के और मोटरसाइकिल या किसी ऊँट पे या गधा पे उठा के घर पे ले जाना पड़ रहा है। ये तो मैं लेके आया हूँ, बाकी ये तो पता नहीं किसके हैं। पानी बहुत स्लो चल रहा है अभी, इतना फास्ट नहीं है, स्लो ही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लाइट ज़्यादातर डिम रहती है, अभी भी 198 पे है, 198 वोल्ट इसमें दिख रहा है या नहीं, और मैंने इस कुएं के बारे में बताया नहीं था, ये तकरीबन 42 या 43 कह लें, 42 या 43 पुर्स ये हो जाएगा अंदर गहरा, इसकी गहराई इससे भी नाप सकते हैं, इस कुएं से जहाँ तक वो पूरी जो कुएं अंदर रस्सी जाती है वो नापते हैं, वो वहाँ तक जाती है।
ये जो कैन है या टेन कह लें, ये करीब 30 लीटर 28 या 30 लीटर के आसपास के हैं। इसमें पहले तो ऑयल हुआ करता था या तो पेट्रोल, हम तो यहाँ पे पानी डालते हैं। यहाँ पे कच्ची जगहें थी और अब कच्ची को हटा के पक्की बना दिए। बाकी ये भी चौरा है, ये भी है, ये एक और घर है, ये देखो ये कच्ची जगह है, बाकी ये चौरा है। दोस्त सुबह सवेरे हम यहाँ पे आए थे इस टीले पे और यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड किया था। अब शाम के 6:30 हुए हैं और फिर से मैं आया हूँ उस वीडियो को चेक करने के लिए कि आया कि उस वीडियो की परफॉर्मेंस क्या रही। सुबह जब यहाँ से गया हूँ और अभी आया हूँ, इस टाइम के बीच में मुझसे कोई भी रब्ता नहीं कर सकता क्योंकि सिग्नल ही नहीं घर पे। तो दोस्त आप में से जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज़ फेसबुक, मेरा इसी नाम पे मुकेश कुमार डामरानी के नाम पे फेसबुक की आईडी है, वहाँ पर भी जा सकते हो आप, वहाँ पे मुझे मैसेज कर लो तो क्या होगा कि मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगा। व्हाट्सअप नंबर या जो भी यहाँ पे पाकिस्तान का बंदा है कोई नंबर मांगता है तो प्लीज़ उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त, क्योंकि सुबह यहाँ पे मैं आता हूँ और कभी कभी मैं आता भी नहीं हूँ, तो सुबह और शाम के टाइम बस मुझसे बात हो सकती है, इसके अलावा तो बात हो नहीं सकती। तो बस इससे अच्छा है कि आप फेसबुक पे मैसेज छोड़ दो तो मैं उसको रीड कर लूँगा और उसका जवाब भी दे दूँगा। बस दोस्त ठीक है।